नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने शॉर्ट्स वीडियो में दूसरे चैनल के, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये अपनी प्रॉब्लम जो है वन टाइम सप्लाई बनने की है। देखिए, जैसा कि हमने इसको भी एक बार सप्लाई लगा दिया है तो ये सप्लाई नहीं बनेगी। कैपेसिटर चार्ज है, इसको यहाँ पर हम लगाते हैं इसको, तो देखिए ये लोड बल्ब अपना नहीं जला है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है। जैसे ही हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, ये देखिए बल्ब डिस्चार्ज हुआ, लोड ख़त्म, चार्जिंग ख़त्म हो गई। अब इसको लगाएंगे तो वन टाइम अपना बल्ब जलता है, ये कंडीशन इसकी। देखिए वन टाइम बल्ब जला एक बार, और इसके बाद अगर दोबारा से सप्लाई लगाएंगे तो ये नहीं जलेगा। ये समस्या कुछ ऐसी है, काफ़ी अच्छी समस्या है। फिर से लगाते हैं सप्लाई, देखिए नहीं जल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर जगह सप्लाई दौड़ रही है, लेकिन फिर भी ये समस्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट फॉल्ट। हमने इसमें इसका STR भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी ये सही नहीं हुआ है। तो काफ़ी जो है कि खोज करने के बाद मुझे मालूम हुआ, जैसा कि हमने यहाँ पर इसका आप सब देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसका रेजिस्टेंस भी हटा दिया है जो आउटपुट की सप्लाई पर यहाँ पर जाती है। ये रही अपनी आउटपुट सप्लाई, और ये रेजिस्टेंस है, ये इतना ST पर से होते हुए यहाँ पर आई है, देख सकते हैं यहाँ से, ये और ये जम्पर से यहाँ पर। लेकिन फिर भी हमने यहाँ से हटा दिया है, लोड न पड़ने के बावजूद भी ये समस्या इसकी ऐसी है। एक बार बल्ब जलता है, उसके बाद फिर ये सप्लाई ऑफ हो जाती है, अपनी बननी बंद हो जाती है। तो इस तरीके का ये फॉल्ट है जिसको हमने सही किया है। कहाँ से सही किया है सो मैं आपको बता दूँ। इसमें हमारा ये कपलर भी सही है, हमने इसको भी चेक कर लिया है, ये सही है। आउट सेक्शन में हमने सभी रेजिस्टेंस को चेक कर लिया है, इधर भी सही है, ट्रांजिस्टर भी सही है, सब चेक कर लिया है। तो काफ़ी मुश्किल से ये फॉल्ट मिला। सो आप सब जान लीजिए, आप सबके काम में आ सकता है ये प्रॉब्लम, कैसे आप सब सही करेंगे। ओके, एक बार फिर से डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि चार्ज है अभी भी, ठीक है, डिस्चार्ज है। ओके, डिस्चार्ज हो चुका है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों हमने यहाँ पे खोजा तो हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला जो ओपन है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, हो सकता है आपके काम में आ जाए दोस्तों। इसलिए वीडियो में आपको ये काफ़ी नॉलेजेबल हो सकता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको छोटे छोटे वीडियो में भी नए नए जानकारी देते रहते हैं। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस रहा अपना ये हरा नीला लाल, 5.6 किलो ओम का है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी तो हम इसको चेक किया हमने जैसे कि, तो हमको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ख़राब मिला है, तो ठीक है। अभी तो फ़िलहाल इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका वैल्यू चेक करवा दूँ। जैसे कि मैंने मीटर को अपने 20 वोल्ट की 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस पे इसको रखा हुआ है सेट, और एक हाथ से मैंने अपने मीटर मोबाइल को पकड़ा है, तो थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत है, एक हाथ से कैसे चेक किया जाए। तो फ़िलहाल तो चेक कर लेते हैं किसी तरीके से, जैसा कि ये मैंने लगाने का प्रयास कर रहा हूँ एक हाथ से ही, तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए PCB को पलट लिया और ये रेजिस्टेंस यहीं पर रहा। मैंने चेक किया यहाँ पे सोल्डिंग करके, मैं यहाँ पर दोनों वायर को लगाता हूँ, ये देखिए लगा दिया है यहाँ पर, सही कंडीशन में लगा हुआ है। और यहाँ पर मीटर भी देख सकते हैं, कोई भी रीडिंग नहीं है, और यही सप्लाई हमारी जो है ऑप्टो कपलर पर चली जाती है, ठीक है, ग्राउंड वाली पिन है ये। तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर एक हम 5.6 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस दूसरा लगा के चेक कर लें, चाहे तो इसको आप निकाल दीजिए चाहे, ठीक है, जो आपकी इच्छा। मैं तो इसको निकाल के जो है कि इसको लगाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं लगा के पहले इसको चेक कर लेता हूँ, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, और यहाँ से मैंने बस इस रेजिस्टेंस को ओपन किया है, आप सब देख सकते हैं। और अब चलिए लगा के देखते हैं क्या कंडीशन इसकी आती है। काफ़ी मुश्किल भरा फॉल्ट है ये, जो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, ठीक है, देख सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।